जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना, ऑप्टिक्स, तो वैसे ही एक हमारे पास में यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये तुमने केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, पेपर वन अच्छा नहीं गया भव्य, मेंस 49, एडवांस 116, एडवांस 222, ठीक है एडवांस में सही है, लेकिन मेंस 49 अच्छा, फिजिक्स में ना, गुड नॉट बैड, यू कैन डू बेटर। सर ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप पर वो सर नहीं है। सर वो हम करेंगे, वो बाद में करेंगे, जब ये करेंगे ना वेव ऑप्टिक्स करेंगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो चीज है वो उसके साथ करेंगे। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं टेम्परेचर एंड थर्मामीटर। स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ यस, तो बेसिकली हमारे पास एक होता है ना यूनिट है ये, इसको हम बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सर हैंड्स डाउन कर दे क्या? हाँ वो हटा दो हैंड्स डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर काफी पार्ट है हमारे पास में, इसके दो पार्ट तुमने केमिस्ट्री के अंदर किए हुए हैं, एक तुमने किया होगा गैसीय स्टेट, राइट, हो गया ना गैसीय स्टेट, आइडियल गैस, रियल गैस, सर यस, उसको उसको हम यहाँ पे बोलते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और तुमने ये भी कर लिया होगा थर्मोडायनामिक्स, राइट, ये हमारे पास में हो चुका होगा तुम्हारा। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर और चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है थर्मल एक्सपेंशन, सेकंड हमारे पास में आता है कैलोरीमेट्री, नाम सुना होगा ना, फिर थर्ड और फोर्थ ये हो गए, फिर फिफ्थ हमारे पास में आता है हीट ट्रांसफर, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन में हम करते हैं तो व्हाट इज एन टेम्परेचर और उसका जो मेजरमेंट है वो कैसे कर सकते, ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट एन यूनिट है, और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैकेनिक्स, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑप्टिक्स, एकदम अलग टॉपिक है। तो अगर कोई ये बोले कि सर मेरा पहले वाला टॉपिक मिस हो गया था, तो ये तो ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इसके अंदर तुमको किसी भी प्रीवियस टॉपिक की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है टेम्परेचर, बताओ क्या होता है टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, हीट का मेजरमेंट, हीट का मेजरमेंट, ओके, कैसे, फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ओके, मदद करेगा डिसाइड करने में कि हीट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो इसके इसके अलग अलग डेफिनेशन हैं, मैं बताता हूँ भाई, तुमको सामने वाले को किस लैंग्वेज में समझाना है उसके अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, ये बताएगा कि कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट है या फिर कितना ज्यादा कोल्ड है, ठीक है, ओके। अब बताओगे व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड, हाउ विल यू डिफाइन कि ये चीज हॉट है, ये चीज कोल्ड है। सर किसी चीज के रिलेटिव अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट होगा, उससे कम है तो कोल्ड। अरे तो बात तो वही है ना, टेम्परेचर की अपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, सर एनर्जी से हो गया, यस हीट एनर्जी, यस। तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि इट शोज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये हमको हीट फ्लो का डायरेक्शन बताएगा ना कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, और हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। थर्ड इसका एक और डेफिनेशन, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन और मूवमेंट,
ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है. जो लास्ट वाला जो डेफिनेशन है ना, दिस इज द मोस्ट एंड रिलेवेंट और मोस्ट मतलब एक्सप्लेन तुम इसको कर सकते हो. पहला जो डेफिनेशन है ये हर जगह लिखा होता है बुक में, क्योंकि ये सबसे आसान चीज है. जैसे तुमने गैसेस स्टेट में देखा होगा कि हर टेम्परेचर पे, एट एवरी टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल्स आर है ना मूविंग, क्योंकि जो भी उनकी एनर्जी है दैट इज कंप्लीटली और डिपेंड ऑन व्हाट टेम्परेचर. कहते हैं 3/2 kT आता है. हाँ, तो जो 3/2 kT एनर्जी आया था, या फिर कह दो मैं F/2 kT आया था, दैट इज द एनर्जी ओनली बिकॉज ऑफ दिस. तो जैसे अगर मैं एक बात करूं, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को कंप्लीटली बंद किया हुआ, इसके अंदर मान लो गैस है, और इसके अंदर हमने लगा दिया थर्मामीटर लगा दिया एक, ठीक है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और इसको हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा? तुम ये यहाँ पे देखोगे ना कि जो थर्मामीटर है उसके अंदर वी कैन सी द रीडिंग दैट हाउ मच इज द टेम्परेचर इनसाइड. So, जैसे जैसे द वैल्यू ऑफ हीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल जो है उनका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है ना, कोलिजन इसके साथ के अंदर बढ़ रहा है, यहाँ कोलिजन हो रहा है, यहाँ कोलिजन हो रहा है. जितना ज्यादा हीट आएगा, मतलब जब तुम बोलोगे कि अगर हाई टेम्परेचर है तो बोलोगे कोलिजन आर मोर राइट, और कैसे फ्रीक्वेंट कोलिजन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, और अगर तुम्हारा टेम्परेचर कम है तो जो तुम्हारे कोलिजन है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी उतनी ही ज्यादा प्रेशर आएगा. ये तुमको पता है? कोई भी गैस का प्रेशर क्यों आता है? गैस का मॉलिक्यूल किसी वॉल से स्ट्राइक करता है, फिर वापस आता है, तो अपन मोमेंटम में चेंज होता है. मोमेंटम में चेंज हुआ दैट मीन्स The wall has applied some force, और जहां पे force है तो वहां पे pressure है. तो सारी जो कहानी है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि molecule का जो moment है या जो vibration है वो तुम्हारा कितना है. एक हमने बना रखा है कि at absolute zero. Sir, एक क्या बोलते हैं? Scroll कीजिए ना. Okay. What is absolute zero? जीरो केल्विन के ऊपर तो सब कुछ खत्म हो गया ना, उसका वाइब्रेशन हो रहा है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है. दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, जो कि एक हाइपोथेटिकल है, हम यहां तक आए नहीं है अभी तक, ठीक है. तो सब कुछ कहानी है ये, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें. हमको करना है कि हाउ वी विल मेजर द टेम्परेचर, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर. तो थर्मामीटर का क्या यूज होता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, बस सिंपल से डेफिनेशन, ठीक है. तो कोई भी चीज का जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्केल चाहिए होता है, राइट. जैसे अगर तुमको बोलूं कि तुमको हाइट एंड मेजर करना है, तो हाइट को किस में मेजर करते हो? या तो इंच में करोगे, सेंटीमीटर में करोगे, मीटर में करोगे, या राइट. तो उसके लिए यू नीड वन स्केल. तो अगर सपोज तुमको मैंने बोला कि ये मेरे पास में एक लेंथ है, सपोज अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ व्हाट इज द लेंथ, ये जो लेंथ है इसका मेजरमेंट क्या है, तो तुमको मैंने स्केल दिए हुए, एक स्केल ये दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है इसको मैंने बोला हुआ है सेंटीमीटर, सपोज ये एक लेंथ है इसको मैंने बोला हुआ है इंच, और एक ये मैंने बना दिया रैंडम एक चीज है जिसको मैंने बोल दिया एक्स. तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका कितना लेंथ है, तो इफ आई एम सेइंग दैट द लेंथ ऑफ दिस रॉड, सपोज रॉड है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 cm है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो छोटे छोटे पीस हैं कितने आएंगे? 10 आएंगे, राइट. इसी का मतलब हुआ ना दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 cm, कि मेरे पास जो एक स्टैंडर्ड जो चीज है ये उसका का
10 टाइम्स है, और वैसे ही अगर मैं इसको इंचेस में बताऊंगा तो क्या आएगा नंबर? कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा सर, कम आएगा। भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास में मतलब एक है ना इंच है, उसको तुम ला के रखोगे कि ठीक है ये यहां तक आ गया, इसके बाद में तुमने एक और रखा उसका आ गया, और फिर तुम कह दोगे इतना इंच आ गया। अगर मैं इसका लेंथ पूछू कि हाउ मेनी x इज द लेंथ, तो ये जो लेंथ है इसको उठा के मैं यहाँ लेके आऊंगा, तो पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x, फिर मैंने इसी चीज को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखा x, फिर सपोज इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और ये भी x आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि लेंथ इज x, नहीं 3x। So for measurement of anything, चाहे वो mass हो, time हो, length हो, anything, we need to figure out a scale. कि scale क्या है? तो यहाँ पे हम scale बनाते हैं. Scale हमारी मर्जी का होता है, ठीक है? और scale में तुमने एक चीज देखी होगी कि सारी जो चीजें होती हैं linear होती हैं. तुम्हारे पास घर पे जो scale होता है, उसमें देखोगे ना कि सारे जो segment होते हैं, वो equal equal होते हैं. तो वैसे ही हम क्या करते हैं? बनाते हैं thermometer बनाते हैं. तो कुछ स्टैंडर्ड है हमारे पास में. पहला हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस स्केल. सबने सुना हुआ है ये? हाँ भाई, हाँ सर. एक हमारे पास में होता है डिग्री फॉरेनहाइट स्केल. ये दोनों ऐसे स्केल हैं जो कि रियल लाइफ में हम देखते हैं. जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो फॉरेनहाइट वाला काम में लेते हैं. अगर तुमको रूम का टेम्परेचर वगैरह मेजर करना है देन यू टेक ये वाला, ठीक है. अब ये तो तुमने इसका क्या बना दिया, डिग्री सेल्सियस क्या है यूनिट, डिग्री फॉरेनहाइट भी क्या है यूनिट. जैसे यहां पे जो सेंटीमीटर था वो मेरे पास में है यूनिट. अब मुझे क्या चाहिए साथ में, नंबर. और नंबर जो आता है दैट इज एन रिलेटिव क्वांटिटी, कि वन सेंटीमीटर कितना था तो ये कितना है. तो हम इसकी स्केलिंग करते हैं. स्केलिंग करने के लिए वी हैव टू मेक सम रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हमने क्या बनाए हैं, ये बना दिए दो रेफरेंस पॉइंट. पहला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो हमने क्या किया, जिस टेम्परेचर पे वाटर वॉज गोइंग टू फ्रीज, ठीक है, उस टेम्परेचर को हमने बोला कि ये टेम्परेचर मेरे पास में जीरो डिग्री सेल्सियस है, ये है जीरो, मैंने उसको बोला है, ठीक है. और जिस टेम्परेचर पे पानी का जो पानी है वेपराइज होना स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को मैंने बोला कि ये मेरे पास में 100 डिग्री सेल्सियस है. ये मेरे पास में बन गया मेजरमेंट. तो ये जीरो, ये 100. अब इसके बीच का जो ये पूरा सेगमेंट है, इसको मैंने 100 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स, ठीक है. और जो 100 पार्ट है वो मैं इक्वल पार्ट्स है, तुम कह सकते हो कि 100 इक्वल पार्ट्स. क्योंकि कोई भी स्केल जो होता है वो इक्वालिटी पे काम करेगा ना. अब बताओ मुझे, इसके अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास में होता है मरकरी होता है नीचे, ठीक है, ये मरकरी है. अब जैसे तुम इसको किसी हॉट चीज पे रखोगे, मरकरी का एक्सपेंशन होगा और जो मरकरी है वो ऊपर आएगा. सपोज तुम्हारा मरकरी यहाँ पे आ गया और ये मैंने बोला कि 1/4 लेंथ है यहां से यहां तक का, तो बताओ इस पॉइंट का अपना टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस भाई. सिंपल सी बात है, अगर मैंने 100 में इक्वल पार्ट में वो डिवाइड किया है और अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया हूं तो मुझे पता है ना इसका टेम्परेचर कितना होना पड़ेगा, 25 डिग्री. स्ट्रेट लाइन फंक्शन ना, लीनियर फंक्शन है, ठीक है. वैसे इसमें आते हैं फॉरेनहाइट स्केल में. फॉरेनहाइट स्केल में जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज हुआ उसको मैंने बोला 32 डिग्री फॉरेनहाइट. इसको मैंने क्या बोला था, जीरो डिग्री. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो डिग्री सेल्सियस इज एन इक्वल टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट? यस, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट तो सेम है ना.
जिस पॉइंट पे पानी फ्रीज हो रहा था तुमने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने बोला नहीं दैट इज 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल हो रहा था, अब यहाँ पे हमने 100 इक्वल पार्ट बनाए थे ना, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 180 इक्वल पार्ट सर, आपकी वॉइस लैग कर रही है, लैग हो रही है क्या? रुको एक हेलो हाँ सर अभी आ रही है ना। हाँ तो देखो जो फॉरेनहाइट स्केल हमने बनाया उसमें हमने बोला कि नहीं हमको थोड़ी सी एक्यूरेसी और चाहिए, तो हमने क्या किया बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो गैप था उसको 180 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना ही ज्यादा तुम उसको वो कर सकते हो ना, जैसे सपोज तुम्हारे स्केल के अंदर सिर्फ सेंटीमीटर होते और तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो तुम सिर्फ कहते सेंटीमीटर को वो कर पाते मेजरमेंट, लेकिन फिर तुमने क्या किया सेंटीमीटर को और वो कर दिया डिवाइड कर दिया मिलीमीटर्स में, नाउ यू कैन मेजर मोर एक्यूरेटली ना। तो स्केल जितना छोटा होगा मतलब कि जितने ज्यादा उसके पार्ट्स होंगे हम उतना ही ज्यादा प्रिसाइसली उसको मेजर कर सकते हैं। तो 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो बताओ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है स्केल वही है, ठीक है इसके अंदर भी तुम्हारे पास मरकरी है उसको एक्सपेंड होना है। अब बताओ कि अगर एक पॉइंट यहां पे आ गया और ये जो लेंथ है दिस इज 1/4 लेंथ, तो बताओ इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू 1/4 लेंथ। पक्का? ओके कैसे करोगे देखो यहां से लेकर यहां तक का अपना डिफरेंस कितना है 180 है ना भाई, उसके अंदर कितने लाइंस आएंगी ऐसी वाली, ऐसी लाइंस कितनी आएंगी 180। तो यहां से यहां तक का जो सेगमेंट है उसके अंदर कितनी लाइंस आएंगी 180/4, तो 180/4 कितना हो जाएगा 45। तो ये बन जाएगा 45 पार्ट्स। ऑलरेडी मेरे पास में कितना रीडिंग है 32, तो इसका रीडिंग कितना बन जाएगा 32 + 45, तो क्या आ जाएगा भाई 77 डिग्री फॉरेनहाइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फॉरेनहाइट, बताओ? यस बिकॉज रेशियो इज सेम। तो ऐसे ही हम वो करते थे मेजर करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने क्रिएट करते हैं इन दोनों के लिए। सपोज इसके अंदर मेरे पास कोई ये आ गया, ये है मेरे पास में रीडिंग, ठीक है इसको मैंने बोल दिया सी, और इसी के अंदर इसके इक्विवेलेंट जो अपना है रीडिंग उसको मैंने बोल दिया एफ। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, तो अभी हमने क्या देखा कि जो भी वैल्यू आएगी उसका जो है रेशो जो है वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बताओ ये जो है रीडिंग ये क्या आएगी, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है सी है ना भाई, ये 0.0 और ये पॉइंट सी, ठीक है तो इसका रीडिंग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी माइनस जीरो,
सी माइनस जीरो हो गया ना, सपोज इस पॉइंट को ओ बोला, इस पॉइंट को बोल दिया ए, तो ओ सी जो लेंथ है, ओ ए जो लेंथ है, वो क्या बन जाएगा, सी माइनस जीरो अपॉन हमारा कंप्लीट कितना लेंथ है, कंप्लीट 100, तो ये लो 100। यहां पे देखते हैं, सपोज इसका रीडिंग है एफ, तो यहां से यहां तक का कारण कितना लेंथ है मेरे पास में, एफ माइनस 32 और कंप्लीट जो लेंथ है वो कितना है 180, क्योंकि हमको पता है ना रेशो तो सेम होना चाहिए, जितने रेशो में यहां आएगा उतने ही रेशो में वहां जाना चाहिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर जो लिक्विड हम काम में ले रहे हैं, ये वाला लिक्विड, इसकी बात करते हैं, लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो जो लिक्विड है वो कैसा होना चाहिए, उसके अपने प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग स्केल बनाने का सिग्निफिकेंस क्या, यार मर्जी है ना, तो तुमने बताओ, कहते हैं तुम हाइट को फिट में बताते हो, डिस्टेंस को मीटर में बताते हो, बहुत लंबे डिस्टेंस को इसके अंदर किलोमीटर में बताते हो, ऐसा क्यों किया, कन्वीनियंट जो तुमको जहां पे अच्छा लगा तुमने उसको यूज नहीं किया, ठीक है। अगर मुझे गैस का टेम्परेचर करना था तो मैंने उसको एब्सोल्यूट में बोला, केल्विन में बोला, अगर मुझे अपना क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर बताना था तो मैंने बोला नहीं मुझे अपने डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो हमने वो कर लिया, तो अपनी अपनी चॉइस है। ओके सर, लिक्विड जो यूज में लिया उसको हम बोलते हैं कि हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, क्यों भाई, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री हो गया तो 100 के बाद तो अनवेपराइज हो जाएगा, देन हाउ विल आई मेजर है ना 300 डिग्री सेल्सियस, तो हम काम में क्या लेते हैं, मर्करी, वो वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए ना, हाँ वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए, नो वोलेटाइल, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि हम कर सके, ठीक है, उसे हम हाई टेम्परेचर को मेजर कर सके। सेकेंड, डज नॉट स्टिक टू वॉल, वॉल के ऊपर नहीं चिपकना चाहिए, नहीं तो एक बार ऊपर जाएगा चिपक जाएगा वापस आएगा तुमको पूरा कलरफुली दिखेगा, तो तुमने उसका एक बार है ना रीडिंग ले लिया, दूसरी बार रीडिंग है ना ले ही नहीं पाओगे उसका। थर्ड, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होना चाहिए, इसका जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है कि लिक्विड को अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर रखते हो तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है, तो लिक्विड ऊपर जाता है, तो सपोज यहां से लेकर यहां तक इसका जो हमारा डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करने पर अगर तुम्हारा लिक्विड यहां से यहां पर आया और ये जो लेंथ है ये एक्स है, तो 1 डिग्री का ही चेंज करने पर यहां से यहां तक एक्सटेंशन में कितना होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 15 से 16 तक उसका एक्सपेंशन कम हुआ और फिर कहते 16 टू 17 में ज्यादा हो जाएगा, तो फिर तो हमारा जो स्केल है यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ना, तो बल्कि हमारे जो स्केल होते हैं वो ना यूनिफॉर्म रहते हैं, तो ये तीन क्वालिटी है जो कि लिक्विड में होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तुमने ये बना दिया फॉरेनहाइट वाला, ठीक है, ये तुम्हारे पास में है डिग्री फॉरेनहाइट, और ये तुमने एक स्केल बना दिया जिसको तुमने बोला स्केल एक्स, और इस स्केल की क्या क्वालिटी है कि इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और इसके अंदर हमारे पास में कितने पार्ट होते हैं वो 180 पार्ट्स, और यहाँ पे आता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ये जो है सपोज इसको मैंने ऐसा किया कि इस स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज -10, आगे मैंने लगा दिया एक्स, ये लो, ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सपोज मैंने बोल दिया 230 एक्स, तो बताओ जब इसके अंदर 100
डिग्री फॉरेनहाइट हो रहा होगा तो उसके रिलेटिव यहां क्या आएगा? करो, तुमने बोला 100 डिग्री फॉरेनहाइट और तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोला -10x। हाँ, -10। इसके अंदर जो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दिखा रहा है -10। लिक्विड सेम है ना दोनों में, फर्क नहीं पड़ता ना। हमने माना हुआ है कि जो लिक्विड है उसकी एयर क्वालिटी ये है कि एक्सपेंशन सेम हो रहा है, ये सेम हो रहा है। तो मेरे पास में दो स्केल हैं तो मुझे बताना है कि 100 डिग्री जो फॉरेनहाइट है वो कितने डिग्री एक्स के इक्वल है। सर 80.67 आ रहा है। हाँ सर 80.67। भाई देखो हमने क्या बोला था ना, रेशो सेम होना चाहिए। सपोज तुम्हारे पास में एक घर है, ठीक है, किसी ने बोला उसका लेंथ 100 मीटर है ना, किसी ने बोला कि नहीं 100 मीटर नहीं है, ये तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, नहीं किसी ने बोला 10 मीटर का है, 10 meters, ठीक है, और किसी ने बोला कि नहीं 10 मीटर का नहीं है, 1000 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, है तो दोनों इक्वली, उनका जो आएगा गैप। अब एक इंसान एकदम मिड पॉइंट में खड़ा है तो वो क्या बोलेगा, मीटर वाला भी बोलेगा ना कि ठीक है हाफ कर देता हूं मैं, यार आ जाएगा आंसर। जो सेंटीमीटर वाला वो भी क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं मैं भी हाफ कर देता हूं, अपना आंसर भी आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो रेशो जो होता है दैट हैज टू बी सेम। तो यहां पे निकालते हैं रेशो, तो देखो उस टेम्परेचर से और जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस कितना है, 100 - 32 है ना, और कंप्लीट जो मेरे पास में पॉइंट है वो कितने हैं, 180। तो ये हमारे पास आ गया रेशो। इसमें देखते हैं सपोज इसकी जो रीडिंग है उसको मैंने बोल दिया x, तो इसका रेशो कितना बन जाएगा, x माइनस माइनस 10 अपॉन मेरे पास में नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 240। तो भाई यार रेशो तो सेम होना चाहिए, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, 180 से जीरो कट गया, 3 4, तो 4/3, और ये कितना बन जाएगा, 100 - 32 68 इक्वल टू x प्लस 10। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 80.67। तो 4 × 68/3 - 10, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इतने डिग्री x। तो अगर देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं,
हाँ ठीक है भाई, कर लोगे? हेलो हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि केल्विन वाला तो एकदम इजी होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को ऐड कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि जो ना रूम टेम्परेचर होता है कि कितना होता है रूम टेम्परेचर? हाँ भाई, हाँ रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 या 24 डिग्री। ओके, और अपना क्या बोलते हैं नॉर्मल अपना टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? 38.3 डिग्री होता है, ठीक है। इसको अपने कन्वर्ट करो फॉरेनहाइट में, क्या आएगा? 98 होगा। अबे कन्वर्ट करना है, वो तुमको कौन पता है, कैलकुलेट करके बताओ। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई इस रूम में इतना टेम्परेचर है, बताओ कि उसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था यहाँ पे, ये वाला C माइनस जीरो है ना, नीचे वाला रेशो अपॉन अपना टोटल अपॉन, इसके अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में होता है टेम्परेचर थर्मोमीटर, बस इसके अंदर कोई और ज्यादा करने के रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब काम की चीज पे आते हैं, काम की चीज जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन, क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसके? टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपैंड होगा। यस, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, अगर इसमें अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीज देन ऑटोमेटिकली वी कैन से द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो इंक्रीज। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कूल डाउन करता हूं, इफ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल डिक्रीज and that will result into the decrement of my size of the object. तो उसके पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो तुमने एक वो देखा होगा, डायग्राम देखा होगा, ये वाला यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे होता है R, and where R is the intramolecular distance. और ये तो मेरे पास में डायग्राम होता है, ये कुछ ऐसा आया था, अगर तुमने याद हो केमिस्ट्री के अंदर देखा हो तो देखा है क्या होता है ये? सर वो ये, जो मिनिमा होता है उस पे बॉन्डिंग होती है। यस, ये मेरे पास में आर नॉट है, क्यों? इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? मिनिमम। और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसी पॉइंट पे क्या आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है अपना वर्क पावर एनर्जी वाला? तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में ऐसे मॉलिक्यूल रखे हुए, एक ऑब्जेक्ट एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। सपोज हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है बस, उसमें चार ही मॉलिक्यूल है, तो हर मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। क्योंकि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रखा हुआ है दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेबल पोजिशन, नहीं तो भाग जाएगा ना वो। तो अगर तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट मींस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम,
और स्टेबल इक्विलिब्रियम में उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, R naught and R naught. So what is the length of the object? इस ऑब्जेक्ट का कितना लेंथ हो जाएगा? 3R naught. ये हो गया, 3R naught हो गया. तो हर ऑब्जेक्ट का जो जो होता है डायमेंशन ऐसे निकलता है. और ये किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है, ठीक है? ओके. तो हमने बोला इस टेम्परेचर पे हमारा जो लेंथ है वो इतना है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इतना है. अब मैंने क्या किया, इसको हीट अप किया. अब तुमको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसका जो है ना वाइब्रेशन होता है वो ना बढ़ जाता है. तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है, ये कर्व हमारे पास में ऐसा बन जाता है, ये ऐसा बन गया. ये टेम्परेचर, ये T1 है, ये T2 है. तो मैं कह सकता हूं कि T2 बड़ा है T1 से. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड T2 वाले के अंदर कैसी है, इसमें तो R नॉट है वो कैसा है, ये देखो ना, इसको मैंने बोल दिया R. ये मेरे पास में आ गया न्यू मिनिमा. मतलब इस टेम्परेचर पे, व्हेन द टेम्परेचर इज द T2, माय इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू R इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो अब यही जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा बन जाएगा. जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट सपोज यही है, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला यहां पहले. इनके बीच का डिस्टेंस कितना, R, R, R. So if I am increasing the temperature of my object, then intramolecular distance in the stable equilibrium will also increase. That will cause the expansion in the object. तो expansion क्यों हुआ बताओ, उसका reason क्या हुआ? एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल था उसके पास में एनर्जी ज्यादा आ गई और स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है R, ठीक है? तो हम बोलते हैं R is greater than R naught. अब मुझे बता देते हैं, तो इसमें इनिशियल जो लेंथ है वो कितना था, सपोज इसी वाले एग्जाम्पल की बात करूं, 3R naught. फाइनल जो लेंथ है वो कितना हो गया, 3R. तो कितना चेंज आया, चेंज को मैं सपोज मैंने बोल दिया डेल्टा R, नहीं वो डेल्टा L बोल देते हैं, डेल्टा L. तो कितना बन जाएगा, 3 into R minus R naught. हाँ भाई सही है? Yes, sir. आप मुझे बताओ कि चेंज इन लेंथ depends on उसके initial values, okay, initial length depend कर रहा है उस पे, initial length पे. Yes, sir. क्योंकि because if I had 5 molecule, अगर मेरे पास 5 molecule होते तो उसका length कितना होता, 4R naught. तो हमारे पास में कितना change आता, 4R minus R naught. तुमने एक चीज देखी होगी ना, इंटेंसिव पैरामीटर होते हैं और कुछ एक्सटेंसिव पैरामीटर होते हैं. हां सर. ओके, इंटेंसिव क्या होते हैं सर, वो डिपेंड करता है ना मास और उस पे, मास पे को डिपेंड. नहीं, वो है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि पानी को तुम अगर बोतल में डाल दो या टंकी में डाल दो, उसका डेंसिटी उतना ही रहेगा, राइट? लेकिन उसका जो मास तो इंक्रीज हो गया ना, छोटे बोतल में अलग मास रहेगा, बड़े बोतल में अलग रहेगा. सेम चीज यहाँ पे, टोटल चेंज इन द लेंथ कैसा है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव, क्योंकि उसके अंदर 3 का फैक्टर आ गया ना. और अगर मैं बोलूं ना फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज अपॉन उसका ओरिजिनल. तो डेल्टा एल अपॉन एल, हाँ, तो वो कितना बन जाएगा, R minus R naught by R. R naught, तो ये क्या है,
ये मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यस। तो जो फ्रैक्शनल चेंज है वो कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो टोटल चेंज है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को चेंज किया। तो मैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में लिखता हूं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, इट्स डायमेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ increase, okay, because intramolecular distance between any two molecule increases, any two molecule। तो हम कह सकते हैं कि हर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, उसका एरिया भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है इनकी वैल्यूज बहुत छोटी होती है भाई। ऐसा नहीं होता ना कि यार तुम घर के अंदर गए, तुम्हारा घर का जो मालूम एंट्रेंस का जो डोर है पहले 10 फिट का था और आफ्टरनून के अंदर 15 फिट का हो गया, वो ऐसा नहीं होता। द चेंजेस आर वेरी, दीज आर एट, कहते हैं माइक्रो लेवल। तो जो माइक्रो लेवल होता है वो हमको ऐसे तो विजुलाइज ही नहीं होता है, लेकिन तुमने देखा होगा अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, जब भी ये लगाते हैं अपना ट्रेन का ट्रैक लगाते हैं तो उनके बीच में स्पेस छोड़ते थे, क्यों? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होता था ताकि उसको थोड़ा सा स्पेस में मिल जाए, और वो गैप बहुत स्मॉल गैप होता था कि इतना ही एक्सपेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि 3-4 फीट लंबी हो गई तुम्हारा ट्रेन का ट्रैक। तो एक्सपेंशन की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, क्लियर है भाई? किसी को कुछ डाउट? आई पेमेंट ग्राफ देखा, हाँ ये सर, इसमें जो आर है हमेशा आर नॉट से ज्यादा ही रहता है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी को इंक्रीज ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि हम, ये तो सारे थ्योरेटिकल चीजें होगी, फॉर्मूले पे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है लेंथ, जिस ऑब्जेक्ट के पास में ओनली लेंथ है, ठीक है, जैसे कि रॉड, ये मेरे पास लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसको ये भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अलोंग द लेंथ वाला, तो सपोज एक रॉड है, इसका कुछ ये है मटेरियल है, तो पहले ये बताओ क्या तुम कभी कह सकते हो कि इस रॉड का लेंथ, इसका ओरिजिनल लेंथ ये है? क्या कभी ओरिजिनल लेंथ नाम की कोई चीज होती है? नहीं होगी। जिस टेम्परेचर पे तुम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस टेम्परेचर पे वही उसका ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सपोज इसका लेंथ है एल नॉट और यहाँ पे जो तुम्हारा है टेम्परेचर वो सपोज मैंने बोल दिया टी नॉट। अब सही है, अब तुम बोलोगे कि एट द टेम्परेचर टी नॉट द नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हो सकता है तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो उसको कंप्रेस या फिर वो कर सकते हो, है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब हमने क्या किया, इसको हीट अप किया, इसका जो टेम्परेचर है वो सपोज मैंने कर दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो इंक्रीज किया है,
तो इसका जो लेंथ है वो सपोज हो गया एल नॉट प्लस डेल्टा एच, ये हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना भी देते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लेके आते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इसमें जो भी चेंज है, जो तुम्हारे पास ये है डेल्टा एल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू उसका इनिशियल लेंथ, ये तो होता ही है, ये हमने देखा ऊपर ही, देखो ना थ्री का फैक्टर आया था, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में इंक्रीज कर दूंगा तो हमारे पास जो चेंज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इतना सही है। हाँ भाई फर्स्ट लाइन तो सही है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। yes, सो जाते हो क्या? हाँ सर। सो जाता है? नहीं सर। हाँ फिर आता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास में एक्सटेंशन होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये देखो इसका जो ये ग्राफ है ये ऐसे और आगे आता जाएगा, ठीक है, आर डैश, ठीक है। तो आर डैश, इसको सपोज मैंने बोल दिया T3, ये लो, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है टेम्परेचर पे डिपेंड कर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा, तो मतलब कि आर भी उतना ही ज्यादा। अब उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। भाई ये तो पता है, प्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू आयरन और वुड और ये क्या कह सकते हो फाइबर, राइट। तो एवरी मटेरियल हैज देयर ओन प्रॉपर्टी कि भाई हमारे अंदर एक्सटेंशन कितना आएगा। तो एक चीज आती है जिसको हम पूरा फॉर्मुलेट कर देंगे, ये बन जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, और यहां पे अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी। ये बताएगा अगर मान लो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सपेंशन है इट विल बी वेरी लार्ज, और अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो मतलब उसमें एक्सटेंशन कम होगा। तो ये हमारे पास में बन गया फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल टू दिस, और इसको क्या कह सकता हूं डेल्टा एल को एल माइनस एल नॉट, तो ये एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से फाइनल लेंथ क्या बन जाएगा एल नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, क्या बन जाएगा यूनिट? फाइनल लेंथ इक्वल टू मीटर, सर केल्विन इनवर्स होगा ना? केल्विन, केल्विन इनवर्स और एन डिग्री इनवर्स। हाँ सर वही, मतलब केल्विन भी उसका डिग्री है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं टेम्परेचर में चेंज, तो जितना केल्विन में चेंज आएगा उतना तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में चेंज आएगा, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम तुम्हारे पास में अल्फा लेते हैं इसका जो यूनिट आता है दैट इज पर डिग्री सेल्सियस सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड We use degree Celsius, generally, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, generally. For gas, we use Kelvin. भाई जब तुम पानी वानी में करते हो तो कहते हो ना कि पानी का temperature 30 degree Celsius, उसको फिर Kelvin में नहीं बताते हैं। Kelvin जो term है that is generally used for gaseous state only. सॉलिड और लिक्विड के टेम्परेचर के लिए भी जनरली यूज इन डिग्री सेल्सियस ओनली। तो यहाँ पे जो तुमको जो क्वेश्चन के अंदर जो आएगा ना यूनिट जो दिया होगा वो है डिग्री सेल्सियस ही दिया होगा, केल्विन नहीं दिया होगा,
है ना। ओके चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और ये जो होता है ना इसका ऑर्डर जो होता है, इसका ऑर्डर बेसिकली आता है 10^-5 और 10^-6 के ऑर्डर के होते हैं ये। मतलब कि अगर तुमने 100 डिग्री भी अगर सेल्सियस टेम्परेचर किसी का इंक्रीज कर दिया तो जो चेंज आता है वो बहुत ही कम आता है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर देखो, अगर मैं तुमसे लिखना चाहूँ ना फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, बताओ फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, तो क्या बन जाएगा अल्फा इनटू डेल्टा टी। अल्फा एंड डेल्टा टी टेम्परेचर पूरी बॉडी का चेंज हो रहा है एंड अल्फा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस मटेरियल का तुमने जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन कितना है। तो यहाँ से हम फिर से बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल चेंज है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। यस सर। चलो ओके, चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। सपोज एक रॉड है, इसका लेंथ L1, ठीक है, इसके साथ में एक और को अटैच किया हुआ है रॉड को, इसका लेंथ L2, इसके लिए तुमको अल्फा वन दिया हुआ है, इसके लिए तुमको अल्फा टू दिया हुआ है। इसको इस पॉइंट से मैंने ये किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सपोज इसका भी टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा फिर? फाइनल जो आएगा लेंथ वो कितना आएगा, फाइनल लेंथ कितना आएगा सर? टेम्परेचर कितना चेंज किया डेल्टा टी, मान लो इनिशियल टेम्परेचर था T1 और इसको इंक्रीज करके हम ले गए फिर T2 पे ले गए। दो रॉड हैं जिनको ऐसे अटैच किया हुआ है मैंने यहाँ पे, एक का लेंथ L1 अल्फा 1, एक का अल्फा 2 L2, ठीक है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब इसको मैंने हीट कर दिया T2 से तो क्या होगा, कौन से रॉड में एक्सपेंशन होगा, कौन से में नहीं होगा, होगा तो कितना होगा? पॉइंट ए तो फिक्स नहीं है ना? नहीं ना, वो तो आगे जा सकता है ना। रेशो बता दो, रेशो ऑफ एक्सपेंशन, रेशो ऑफ एक्सटेंशन इन रॉड वन, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अरे रेशो निकालना एक्सटेंशन का, इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा डेल्टा L1, उसमें कितना आएगा डेल्टा L2, क्या होता है डेल्टा L1, L1 into alpha into delta T, इसमें कितना आएगा L2 alpha into delta T, बस क्या हुआ इसमें? ठीक है, चलो एक और करो। सपोज हमारे पास एक रिंग है, लीनियर वाली रिंग है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ओके? तो तुमको दिया हुआ है रेडियस आर, टेम्परेचर टी, और तुमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज अल्फा। तुमसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ रिंग एट टेम्परेचर टी डैश इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। जब तुम्हारा रिंग का टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर देंगे तो बताओ कि रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा?
चलो करो सोचो सर पिछले क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रॉड एक्सपांड होगा आप सब पूछ रहे थे दोनों ही होंगे ना टेम्परेचर तो दोनों का ही इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन है दोनों में ही होगा एक में क्यों होगा हाँ ये है एक हमारे पास है ना रिंग है जिसका रेडियस आर है ठीक है अब उस टाइम उसका टेम्परेचर टी अब तुम्हें पूछा है कि व्हेन टेम्परेचर इज टी प्लस डेल्टा टी देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट रिंग सर आर इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या क्या आर इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी सर ये सब मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल के आ जाएगा ओके तो लेकिन देखो रेडियस के अंदर तो कुछ ना रखा हुआ ही नहीं है सर सरकमफेरेंस निकाल के लेकिन सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस टू पाई आर यस बढ़ जाएगा तो देखो तो पहले तुमने बोला सी वन और सरकमफेरेंस पहले कितना है टू पाई आर ठीक है इसको सपोज तुमने बोल दिया सी नॉट अब तुम्हारे पास में बन जाएगा सी तो सी को तुम क्या लिख सकते हो सी नॉट वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी बिकॉज माय ऑब्जेक्ट इज लीनियर ठीक है ना तो इतना होगा अब मुझे निकालना है आर तो इसको लिख दूंगा टू पाई आर डैश और ये कितना बन जाएगा सी नॉट कितना था टू पाई आर वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी तो आर डैश विल बिकम आर वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी ठीक है ना सर हम इसी चीज को आर को सिर्फ लेंथ ट्रीट करके भी तो कर सकते हैं यही तो यस यस उससे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तुम ये भी मान के चल सकते हो कि सपोज एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस कितना था पहले वार था ना राइट तो इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना था 2r ठीक है 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी वो क्या बन जाएगा 2r डैश मान लो बाद में रेडियस तुम्हारा ये हो गया क्योंकि हमने क्या बोला था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीज तो ये मॉलिक्यूल मेरा a हो गया ये मॉलिक्यूल मेरा b हो गया तो देखो अपने अपने उससे भी आ जाएगा तो डिस्टेंस विल चेंज फ्रॉम एनी टू मॉलिक्यूल कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्लियर और आ गया हो सपोज एक रिंग है इसको थोड़ा सा काटा हुआ है ये और ये जो कटा हुआ जो पार्ट है ये सेंटर पे थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो ये एंगल थीटा कर रहा है ठीक है तुमको दिया हुआ है रेडियस आर ठीक है इसका इनिशियल टेम्परेचर है टी ठीक है और तुमने ये कर दिया टी प्लस डेल्टा टी और तुमको अल्फा जो टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा तो वो ये सो फाइंड एंगल ए डैश बी डैश ओ तो ये तो इनिशियल एंगल दिया हुआ है फाइनल एंगल हमारा बन जाएगा जब इसमें एक्सपेंड हो जाएगा ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा क्या एंगल इतना ही रहेगा क्या वो इंक्रीज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा सोचो
सर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है तो शायद सेम ही रहना चाहिए शायद क्या तुमको ऐसा नहीं लगता नहीं सुनो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि जब मतलब एक्सपेंड होएगी तो पॉइंट ए और बी पास पास में आ जाएंगे हाँ सर तो अगर ए और बी पास पास में आ गए तो एंगल हमारा कम हो जाएगा सर बोल उतने रेडियस भी बढ़ेगा ना अरे तो अगर तुम्हारा मैं आर्क लेंथ कम हो गया रेडियस बढ़ गया तो एंगल तो और भी कम हो जाएगा ना व्हाट इज एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तुम्हारे अकॉर्डिंग उसका आर्क लेंथ तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और रेडियस बढ़ रहा है तो एंगल को तो कम होना चाहिए ना सर एक्सपैंड करने पे बढ़ेगा ना यस बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा मैं तो क्या बोला था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड द फ्रैक्शनल चेंज will remain same. तो अगर ये scenario यहाँ पे है ठीक है ये point यह है ये point यहाँ पे है और जब इसका extension हो जाएगा तो सब कुछ ही बढ़ेगा और उसी proportion में बढ़ेगा क्यों हमारा proportion change नहीं हो सकता क्योंकि हमने ये बोला हुआ है ना फ्रैक्शनल चेंज इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज से तो ये जो चीज है ये पता कैसी हो जाएगी ये ऐसी हो जाएगी कि हमारा जो न्यू वाला जो आएगा ना रिंग वो ऐसा बन जाएगा ये लो तो ये मैं नहीं ये देखो ना ये अगर मान लो आर है लेंथ तो अभी हमने चेक किया कि तो न्यू जो आर आएगा वो कितना बन जाएगा आर वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा ये हो जाएगा राइट हाँ भाई मानते हो ना यस अब देखो पहले अगर जो आर्क लेंथ ये जो आर्क लेंथ था ये मेरे पास में एल है मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एल तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ये जो है ये कितना बन जाएगा एल ये बन जाएगा वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी Yes, भाई हमने क्या बोला लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट विल चेंज एंड द फ्रैक्शनल चेंज विल रिमेन सेम तो अब जो मेरा थीटा डैश बनेगा वो क्या बनेगा आर्क लेंथ कितना है एल वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी और अब मेरा रेडियस कितना है आर वन प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली क्या बन गया थीटा ही बन गया तो थीटा विल नॉट चेंज थीटा विल रिमेन सेम ओके तो इसके ऊपर बहुत मतलब कि इसके ऊपर आते हैं तो वो यहां भी पास में आते हैं ए और बी पास में नहीं आएंगे मैंने क्या बोला तुम बताओ किसी ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज होना चाहिए या फिर अपना डिक्रीज होना चाहिए इट हैज टू इंक्रीज होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा न्यू जो इक्विलिब्रियम लेंथ है वो ज्यादा ही आएगा कम थोड़ी आ जाएगा बेटा ठीक है यस ओके चलो और आते हैं फिर तुमने एक चीज देखी होगी जैसे 10th क्लास में क्या होगा ना इक्विवेलेंट अपना रेजिस्टेंस तो याद कर सकते हैं थोड़ा सा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है इक्विवेलेंट सपोज मैंने दो एक ये आर वन इसको ऐसे लगा दिया एक आर टू को ऐसे लगा दिया इसका इक्विवेलेंट मैंने ये लिखा आर इक्विवेलेंट तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या आता है आर वन प्लस आर टू आता है क्या होता है इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या हुआ व्हाट इज बराबर बट आवाज साफ नहीं आ रही है फिर से बोलो सर अभी आ रही है हाँ अभी सही है बोलो सर मतलब मोर देन वन रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो फिर सबका यार तुम्हारी आवाज फिर से बीच में गई पहले ठीक थी हाँ मैं स्टार्टिंग में सही थी बीच में गड़बड़ हो गई ओके विद रिस्पेक्ट टू कैसे आएगा
विद रिस्पेक्ट टू आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? रेजिस्टेंस को ही रिलेटिव क्वांटिटी थोड़ी ना है कि R1 माइनस R2 कर दिया। नहीं सपोज तुम्हारे पास में 3 kg एप्पल है, टू के जी मैंगो है और तुमने बोला कि 5 kg अब बनाना है, तो क्या ये ना इक्विवेलेंट है? नहीं, क्यों नहीं है? मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट है सर, इक्वल है। सो वेट किस एस्पेक्ट में देखेंगे उसपे? एग्जैक्टली, यू हैव टू डिफाइन सम पैरामीटर कि कौन से पैरामीटर के अंदर वो मुझे डालना है, तो मैं कहूंगा कि फॉर वेट और मास दे आर इक्विवेलेंट, इसीलिए मैंने उनको इक्विवेलेंट बोला, इक्वल नहीं बोला। इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। तुम्हारे पास 100 rupees है और तुम मार्केट में जाके के 1 kg एप्पल लेके आ गए, तो 100 rupees इज इक्विवेलेंट टू 1 kg एप्पल, इक्वल थोड़ी ना है, वो खाने की चीज है यार, ये करेंसी है, ठीक है ना? तो ये इसीलिए बोलते हैं इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो मुझे बताओ, जब तुमने R1 R2 को ये लिखा R1 प्लस R2 और तुमने बोला इक्विवेलेंट है, तो क्या मतलब हुआ? सपोज ये तुम्हारे पास बल्ब है सपोज, और ये तुम्हारे पास में फैन है, तो बल्ब और फैन को हटा के तुम यहाँ पे तुमने एसी लगा दिया, तो बल्ब और फैन तो है वो एसी के इक्विवेलेंट थोड़ी ना है। तो कौन सा पैरामीटर है वो जो कि वो डिफाइन करेगा? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अरे नहीं ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की तो डेफिनेशन बता रहे हैं। सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज किसी के घर के अंदर गीजर चल रहा है और किसी के घर में चल रहा है एसी चल रहा है, दोनों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आया, तो तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इक्विवेलेंट। यस, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है That has to be same. तो बोलोगे ठीक है यार, चाहे तुम एसी चलाओ या तुम गीजर चलाओ, तुम्हारा बिल तो उतना ही आने वाला है, यू आर इक्विवेलेंट। सेम चीज यहाँ पे है, चाहे मैं बल्ब और फैन को लगाऊं या फिर मैं इन दोनों को हटा के एसी लगा दूं, अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आ रहा है, मतलब कि जो करंट है वो सेम आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, तो मैं बोलता हूं कि ये दोनों इसके इक्विवेलेंट है। ओके, अगर यहाँ पे मैंने ये लगा दिया बैटरी लगा दिया, सपोज यहाँ पे लगा दिया बैटरी, तो ये यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा? V अपॉन R1 प्लस R2। और यहाँ पे अगर उसी बैटरी को लगा दिया तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूँ ना कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां जो मेरा पैरामीटर था वो पैरामीटर क्या था? करंट, कि दोनों सिचुएशन में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। अभी हम यहां पे आएंगे, तुमने देखा इक्विवेलेंट, अभी मैं एक न्यू डेफिनेशन बताऊंगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है सर, सर ऊपर वाला स्लाइड एक सेकंड के लिए दिखाइए ना, ये वाला। हाँ सर, हो गया। ओके, तो अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास में रॉड है, ठीक है, सपोज इसका लेंथ है L1, इसके तुमको α1 दिया हुआ है, एक तुम्हारे पास में एक और रॉड है, इसका लेंथ है L2 और इसमें तुमको α2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास में एक और रॉड है जो कि अगर मैं बाहर से देखूंगा तो वैसी दिखेगी, तो बाहर से देखने पे मुझे वैसी दिखे तो इसका कितना लेंथ होना चाहिए? L1 प्लस L2 होना चाहिए ना,
ताकि यार फिजिकल जो अपने डायमेंशन है वो तो मुझे एक जैसे दिखे दोनों के, लेकिन ऊपर का मटेरियल मेरा अलग है, नीचे वाले का मटेरियल मेरा अलग है, और इसके लिए मैंने बोल दिया अल्फा इक्विवेलेंट। तो अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ माय अल्फा इक्विवेलेंट? यहाँ पे हम किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन। तो बताओ थोड़ा सा डेल्टा एल के बेसिस पे। यस, मैं बोलूंगा कि इसका टेम्परेचर अगर टी से अगर मैं कर दूं टी प्लस डेल्टा टी, तो जो टोटल एक्सपेंशन आएगा और इसका टेम्परेचर भी टी से अगर मैं कर दूं डेल्टा टी, तो जो इसका एक्सपेंशन आएगा वो दोनों अगर सेम हो जाए तो मैं कह दूंगा ना कि ठीक है यार, चाहे मैं उसको लगाऊं या मैं इसको लगाऊं, हमारे पास सेम टेम्परेचर डिफरेंस करने पे सेम एक्सटेंशन आ रहा है। मतलब कि इसका जो अल्फा है मैं कह सकता हूं ना कि इक्विवेलेंट है, चाहे मैं इसको लगाऊं या उसको लगाऊं, एक ही बात है। ओके, तो यहां पे इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ये बन गया। तो चलो चेक करते हैं, पहले वाले के अंदर कितना एक्सपेंशन आएगा? डेल्टा एल वन क्या होता है? एल वन अल्फा वन डेल्टा टी। इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा? L2, alpha 2, delta t। इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा? इसका लेंथ कितना है ओरिजिनल? L1 plus L2, alpha equivalent into delta t। अब अगर मुझे अपना नया रिलेशन लेके आना है तो क्या करूं मैं? ऊपर वाले का एक्सटेंशन कितना आएगा? तो मेरे को डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। कि भाई पहले जो एक्सपेंशन आ रहा था तो मेरे पास में अल्फा इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा बताओ? अल्फा वन एल वन प्लस अल्फा टू एल टू अपॉन एल वन प्लस टू। तुमने उसमें क्या होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीपी इक्विवेलेंट सीवी इक्विवेलेंट याद है? दो गैस के मिक्सचर को अगर मैं कर दूं तो पूछेंगे व्हाट इज द इक्विवेलेंट सीपी और इक्विवेलेंट सीवी और इक्विवेलेंट गामा, याद है? नहीं सर, ये नहीं हुआ था केटीजी में, तो नहीं हुआ। तो इसमें नहीं कराया थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं सर। चलो ठीक है, अपन करेंगे। भाई अगर तुमने एक सिंगल गैस है, सपोज तुम्हारे पास में इसके अंदर हीलियम है और इसके अंदर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन है, इसके लिए कितना आता है सीवी और इसके लिए कितना आता है सीवी? 3R/2 और 5R/2। ओके, इसके लिए आता है 3R/2, इसके लिए आता है 5R/2। अब मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर 10 मोल तो हीलियम के ले लिए और 20 मोल्स ले लिए हाइड्रोजन के, बताओ इसका सीवी क्या होगा? वही है भाई, तुम बोलोगे टोटल हीट हमें कितना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ठीक है इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो मुझे हीलियम के लिए कितना चाहिए? 10 × 3R/2 प्लस 20 × 5R/2, और हमारे पास में कितने मोल हैं टोटल? 30। तो ये बन गया ना मेरे पास में सीवी न्यू। तो बेसिकली क्या बन गया? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखो ना हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला भी ऐसा ही है, ये वाला भी। और इसी टाइप से तुम उसको भी निकाल सकते हो, सीपी को भी निकाल सकते हो कि इक्विवेलेंट सीपी क्या होगा। भाई जहां पे एन सीवी वन है वहां पे तुम्हारा कहते हैं सीपी वन आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है? यस सर। थोड़ा इजी चीज है ये जो चैप्टर है, कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन, एकदम इजी इजी चैप्टर है। कहाँ पे हूँ? यहाँ पे। हाँ सर, आप। हाँ, इसमें इजी इजी फॉर्मूले हैं, आधे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही हो जाते हैं। हो गया सर।
ठीक है ओके, अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज मेरे पास में एक पीस ऑफ ये है ना, वुडन पीस है, वुडन पीस का मतलब हुआ कि अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज करूंगा तो इसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, वुड में नहीं आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, तो मैं कह दूंगा कि नो एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन मेरे पास में स्टील का एक स्केल है, स्टील वाला, तो कोई भी जो हमको वो करना होता है मेजरमेंट, तो ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे इसको लगाते हैं, जीरो लगाते हैं और फिर आगे आगे देखते जाते हैं, राइट। तो सपोज इसका जो है रीडिंग जो आया रीडिंग, सपोज मैंने बोल दिया आर वन, वो मेरे पास में आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सिंपल वाले स्केल का। अब सपोज मैंने क्या कर दिया, इस टाइम सपोज इसका जो अपना था टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे बताओ कि रॉड का जो लेंथ है मैं उसी स्केल से मेजर करूंगा तो लेंथ मुझे कम दिखाएगा या फिर ज्यादा दिखाएगा? पहला क्वेश्चन, कम दिखाएगा। कम दिखाएगा क्यों? क्योंकि अब जो तुम्हारा स्केल है उसका जो 1 सेंटीमीटर है ना बड़ा हो गया है, वो अगर वो बड़ा हो गया तो क्या हुआ ना, नंबर कम हो जाएगा। तो सपोज मैं तुमको अल्फा देता हूँ, मैं तुमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ कि व्हाट इज न्यू रीडिंग, व्हाट इज द न्यू रीडिंग क्या आएगी स्केल की उसी वुडन पीस के लिए? भाई तुम अपनी हाइट है ना कर रहे थे मेजर उसी स्टील वाले स्केल से, तो पहले तो मान लो कुछ आ गई, तो फिर तुमने अपना टेम्परेचर 100 डिग्री से इंक्रीज कर दिया, तो बताओ नाउ व्हाट विल बी योर न्यू लेंथ। सर स्केल का डायमेंशन नहीं दिया हुआ। अरे स्केल का दिया हुआ है ना, पता तो है भाई, जो हमारे पास उससे क्या फर्क पड़ता है स्केल का लेंथ कितना भी हो, फ्रैक्शनल चेंज 9.99 हुआ था, 9.99 आ रहा है, कैसे बताओ भाई सर? तो भाई सिंपल से नहीं, देखो देखो तो कुछ ऐसा होगा ना, सपोज इसमें यहाँ पे लिखा होगा 1, यहाँ पे लिखा होगा 2 और यहाँ पे कितना लिखा होगा 10। अब सिंपल सी बात है यार, जब मैं ये अपना एक्सपेंड होएगा तो जिस पॉइंट पे ये लिखा हुआ था 10 लिखा हुआ था, ये तो आगे आ जाएगा ना थोड़ा सा, भाई उसको एक्सपेंड होना है तो एक्सपेंड होके आगे जाएगा ना वो, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी मुझे रीडिंग दिखाई देगा दैट विल बी लेस देन 10। तो अब मुझे निकालना वो कितना होगा, तो बताओ कैसे निकालोगे? सर पहले डेल्टा आर निकालेंगे तो पहले मैं इसमें निकालता हूँ कि कितना वो आएगा। तो पहले मैंने क्या बोला, सपोज इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो सपोज मैंने बोल दिया L0 है इसका, इसका लेंथ फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि L0 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 × ये, हाँ इतना ना 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के अगर मैं सेगमेंट चेक करूं तो वो सेगमेंट कितने आने चाहिए मेरे पास में, 10 होना चाहिए, यस। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। अब जो मेरा जो लेंथ है वो तो उतना ही है, लेकिन आई डोंट नो कि अब सेगमेंट कितने आएंगे, तो सेगमेंट को सपोज मैंने बोल दिया एन, लेकिन ये जो मेरा 1 सेंटीमीटर है ये क्या बन जाएगा, न्यू 1 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर एक्सपेंड होके बड़ा हो गया ना, तो 1 सेंटीमीटर जो चीज थी अब बड़ी हो गई है वो, तो न्यू 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 + α (Δt)
होता है ना, आर इक्वल टू आर नॉट एंड वन प्लस डेल्टा टी, तो क्या बन जाएगा, वन वन प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, टेन की पावर माइनस फोर, ये कितना है डेल्टा टी, हंड्रेड, तो कितना बन जाएगा, वन प्लस टेन की पावर माइनस टू, तो 1.01 है ना, ये बन गया तुम्हारे पास में न्यू वन सेंटीमीटर। इसको यहां डाल दो और इन दोनों को अपने डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, टेन इंटू वन इक्वल टू एन इंटू 1.01, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन अपॉन 10.1, तो ये आएगी रीडिंग हमारे पास में। कितना वैल्यू आता है इसका, 10 अपॉन 10.0, 10.1 कैसे आ गया, नहीं ना 1.01 ना, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, 9.90 ये आ जाएगा। तो अब तुम किसी को बोलोगे कि इसका जो रीडिंग है, इसका जो लेंथ है, दैट इज 9.90, पहले तुम बोल रहे थे 10 सेंटीमीटर है, अभी कम हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि पहले तुमने इतना मेजरमेंट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ऑब्जेक्ट का जो है लेंथ वो हो गया। अब सपोज मान लो मैं ऑब्जेक्ट का लेंथ भी इंक्रीज हो रहा होता तो क्या करेंगे, हाँ भाई उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो फिर हमने जो यहाँ पे ये लिखा ना, मतलब एल नॉट लिखा, इसको क्या लिखेंगे, एल नॉट वन प्लस, हाँ भाई उसकी भी आ जाएगी न्यू लेंथ। किसी भी चीज का मेजरमेंट ऐसे तो करते हो, सपोज तुम्हारे पास पेंसिल है और तुमको बोला कि तुमको अपनी हाइट ना मेजर करनी है, तुम पेंसिल को रखते रखते ऊपर तक ले गए और तुमने बोला योर हाइट इज इक्वल टू 15 इनटू जो भी लेंथ तुम्हारा पेंसिल का है, कोई भी मेजरमेंट ऐसे ही होता है, तो ठीक है फिर हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने वुडन लिया था, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज होगा देन अकॉर्डिंगली वी कैन डू स्टफ। ओके सर, ये वुडन का भी लेंथ चेंज होगा वो अलग फिर से बताऊं, नहीं हाँ नहीं अगर होगा तो, हाँ तो जैसे कि ये लो एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास में एक लेंथ है, इसको मैंने बोला एल नॉट, ठीक है, और एल नॉट तुमको दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर, इसके लिए तुमको दिया हुआ है मैं अल्फा वन, अल्फा वन तुमको दिया हुआ है 2×10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नहीं माइनस 5 कर दो, और ये यहाँ पे तुम्हारा स्केल है, स्केल इसके लिए तुमको अल्फा दिया हुआ है 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसका जो आ रहा था ना रीडिंग, जो आ रहा था 10 सेंटीमीटर आ रहा था, तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग। तो कोई भी जो है ना रीडिंग होती है वो क्या होती है, देखो अभी कितना है उसका एल नॉट, एल नॉट क्या आएगा 10×1 सेंटीमीटर है ना। अब देखो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल नॉट वन प्लस इसका अल्फा कितना है 2×10⁻⁶5 इंटू कितना टेम्परेचर में चेंज किया था 100 इक्वल टू 10, नहीं ये तो हमको फाइंड करना है ना कि नंबर कितना आ रहा है, तो नंबर को मैंने बोल दिया n, और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस इसका अल्फा कितना था 10⁻⁴ इंटू 100, तो यहां से आ जाएगी n की वैल्यू। अब दोनों को मैं डिवाइड कर देना, तो 1 क्यों है, अरे कहां पे सिर्फ n इनटू 1, 1 सेंटीमीटर को चेंज कर रहा हूं ना, कि पहले जो मेरा था ना 1 सेंटीमीटर था ये, वो मतलब अब ये कितना हो गया है भाई। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी का रीडिंग 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के कितने सेगमेंट रखे हुए हैं, ये लिखा हुआ ना 10 सेगमेंट रखे हुए हैं, तो अभी मुझे बेसिकली नंबर ऑफ सेगमेंट ही तो निकालना है, अबे सपोज एक बात बताओ, सुनो किसने पूछा ये कि अब 10 क्यों,
सपोज तुम्हारी हाइट मैंने दी हुई है, थ्री पेंसिल है, तुम्हारी पेंसिल है, तुमने अपनी हाइट मेजर किया, थ्री पेंसिल की हाइट आ गई। अब तुम्हारे पेंसिल की हाइट को, पेंसिल का जो लेंथ है वो मैंने 1.5 टाइम्स कर दिया, तुम अब तुम्हारी हाइट कितनी है? टू पेंसिल। यस, सेम चीज। क्यों? एक तो नंबर होता है, एक तुम्हारा स्केल होता है। नंबर इनटू स्केल इज योर हाइट। सो ये मेरा नंबर है 10 और ये मेरा स्केल है, ठीक है। मेरा स्केल भी चेंज हो रहा है तो मेरा नंबर भी चेंज होएगा, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आनी चाहिए वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि उसका भी लीनियर एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। कुछ डाउट बताओ भाई। हाँ भाई। सर डाउट नहीं है पर ऐसे अनयूजुअल लग रहा है। क्यों लग रहा है अनयूजुअल भाई? अगर तुम्हारे स्केल को खींच के तुम लंबा कर दोगे तो उसका रीडिंग कम आएगा ज्यादा आएगा? नहीं सर, वो नहीं सर, नहीं समझ आ गया। नहीं, जब इसके अपने क्वेश्चन करोगे ना तो फिर आएगा समझ में, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन का डीपीपी डाल दूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे और करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। न्यू चीज है ना यार, तो पहली बार थोड़ा सा घर जाके इसको रिवाइज करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ, आई विल सेंड द नोट्स। बाय सर। बाय।